हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लान एग्जीक्यूटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी, सीएचएसएल एंड सीजीएल के फॉर्म फिल हो चुके हैं और उनका एग्ज़ाम मई तक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप सब जानते हैं कि इसमें जीएस, रीजनिंग, क्वांट एंड फोर मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो हम इस लेक्चर में करेंगे जीएस स्टार्ट। जीएस में भी हम करेंगे हिस्ट्री से स्टार्ट, ओके? बिकॉज एज यू नो दैट हिस्ट्री एंड पॉलिटी इज अ मेजर पोर्शन इन दी एसएससी, स्पेशली इन जीएस, ओके? एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री। एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री हमारी होती है स्टडी ऑफ पास्ट। हमारे पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसके हम अगर स्टडी करते हैं तो वो हमारी होती है हिस्ट्री, ओके? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस हम पता, ये हमें कब पता, कैसे पता चलता है कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, उस टाइम कैसे लोग रह रहे थे, वो क्या खा रहे थे, क्या से अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे, अपने फ्री टाइम में वो क्या करते थे। तो ये हमें सब कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, उससे हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं कि हिस्ट्री क्या थी, ओके? तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा है प्री हिस्ट्री, फिर हमारा आता है प्रोटो हिस्ट्री, नेक्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्री हिस्ट्री होती क्या है। प्री हिस्ट्री हम उसी ऐसे टाइम में जो हिस्ट्री, मतलब कुछ भी इवेंट हैपन हुए जिस टाइम पे हमें कोई भी लिटरेरी रिसोर्सेज या फिर कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता हमें, मतलब उस टाइम पे लोग रह रहे थे, अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे, बट हमें उनके बारे में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता, तो हम इसे कह देते हैं प्री हिस्ट्री, ओके? बस हमें मिलता तो क्या मिलता है, स्टोन्स मिलते हैं, उनके घर मिलते हैं, केव्स, बट हमें कुछ नहीं पता चलता कि वो कैसे रह रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, बिकॉज उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, ओके? रिटन एविडेंस ही नहीं है जिसके द्वारा हम पता लगा सके कि प्री हिस्ट्री में कैसे लोग रह रहे थे, तो उस टाइम को हम कह देते हैं प्री हिस्ट्री। अगर उसके आगे चलते हैं फर्दर, तो हमारा एक ऐसा टाइम होता है जब ह्यूमन ने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने राइटिंग के उनके पास एबिलिटी आ गई, कुछ उन्होंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, ओके? लिखना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे हमें रिकॉर्ड्स, ऑफकोर्स रिटन एविडेंसेस मिलेंगे। अगर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो रिटन एविडेंस मिलेंगे, बट प्रोटो हिस्ट्री को हम ऐसे, प्रोटो हिस्ट्री हमारा ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमें रिटन एविडेंसेस तो मिलते हैं, बट क्या होता है, जो हमें रिटन एविडेंस मिल रहे हैं ना, उनको हम, उन्हें हम ना डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर का मतलब यह है कि उन्हें हम पढ़ नहीं पाए कि उन्हें क्या लिखा हुआ है, ओके? तो इसे हम, जिस टाइम पीरियड में हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, बट उन्हें हम आज तक पता नहीं लगा पाए कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो उसे हम टाइम पीरियड को क्या कह देते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। अगर उससे एक स्टेप हम फर्दर आगे चलते हैं तो उसे हमारा आता है हिस्ट्री, जिसमें हमें रिटन एविडेंसेस भी मिलते हैं और हम उनको पढ़ भी पाए हैं कि उस टाइम पे कैसा इन्वायरमेंट था, कैसे लोग रह रहे थे, कैसे वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, कैसे वो, मतलब क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, हमें सब पता चलता है उनके रिटन एविडेंसेस से, क्या उन्होंने लिखा, जो उसको पढ़ के हम एबल हो चुके हैं कि उन वो कैसे रह रहे थे। तो उस टाइम पीरियड को रख देते हैं हम हिस्ट्री में, ओके? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है स्टोन एज से। स्टोन एज में हमें जो एविडेंसेस जब नहीं मिलते उसके हम क्या देते हैं, क्या कहेंगे, प्री हिस्ट्री। जब हमें एविडेंसेस मिलने स्टार्ट हो गए बट हम उसे पढ़ नहीं पाए, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हमारा आ जाएगा हड़प्पन एज, ओके? फर्दर अगर हम एक स्टेप आगे चलेंगे तो हमारा आ जाएगा हिस्ट्री। हड़प्पन एज के बाद अगर जो भी हमारा टाइम आता है, लाइक वैदिक एज, मौर्यन एज, गुप्ता एज, फर्दर हमारा आ जाएगा मिडिवल हिस्ट्री में, ये मुगल, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड ब्रिटिश आ जाएंगे, ये हमारा पूरा आ जाएगा हिस्ट्री में, ओके? तो अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री जो है, हमें पता किन किन रिसोर्सेज से चलता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ। तो हमारे मेजर रिसोर्सेज होते हैं, एक तो हमारा आ जाता है लिटरेचर। लिटरेचर जो है मेन सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कैसे लोग रह रहे थे, ओके? यही सब तो हमारे लिटरेचर में कैसे आ जाएंगे, एक तो हमारा लिटरेचर में भी आ जाएगा इंडियन लिटरेचर एंड फॉरेन लिटरेचर। फॉरेन लिटरेचर हमारा आ जाएगा जो बाहर की कंट्रीज से उस टाइम पे हमारी कंट्री में जो लोग आ रहे थे, तो उन्होंने जो लिटरेचर लिखा उसे हम कह देंगे फॉरेन लिटरेचर। जो हमारी कंट्री में लिखा गया दैट इज़ अ इंडियन लिटरेचर। हमारी कंट्री का इंडियन लिटरेचर में क्या क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इसमें वेदास,
ओके, उपनिषद, ब्राह्मण्स, अरण्यकास, ओके, ये हमारे रिलीजियस लिटरेचर हैं। और अगर हमारा सेकुलर लिटरेचर देखना है तो उसमें हमारे आ जाएंगे एपिक्स, प्ले, बायोग्राफी, पुराण्स। अगर हम फॉरेन लिटरेचर में देखें, फॉरेन लिटरेचर में ग्रीक्स से जो आए थे मेगनास्थीस, मेगनास्थीस के इंडिका बुक है, इन्होंने लिखी थी, तो ये हमारा आ जाएगा फॉरेन लिटरेचर में। डेमिचेटस चाइनीज में आ जाएगा, ह्यूएन त्सांग, ए त्सांग, फाहेन, ओके, ये सब जो हमारे फॉरेन लिटरेचर, इन्होंने जो लिखा, इनके लिटरेचर से जो हमें पता चलता है, तो हम इसे कह देंगे फॉरेन लिटरेचर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन लिटरेचर में। हम पहले आपको बता दिया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ये सारे किसके कब आए थे, ये हमारे वैदिक एज में आए। ओके, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, पुराण्स, एपिक्स, प्ले, या ये सारे किसके पार्ट हैं, ये हमारे इंडियन लिटरेचर के हैं। ओके, अगर हम देखें फॉरेन लिटरेचर में जो मेगनासेस की बुक है वो इंडिका, ओके, तो ये कौन था, ग्रीक, ग्रीक फॉरनर था ना। तो नेक्स्ट आ जाएगा ले, जैसी इनको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे जब जब इनका टाइम पीरियड में जब आएंगे। तो अभी आप जस्ट देख लीजिए प्लिनी, फाइन, ह्यून त्सांग, आय त्सांग, ओके, ये सारे फॉरेन लिटरेचर में आएंगे। अदर में देख लेते हैं, अदर रिसोर्सेज में आ जाएगा विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता मुद्रा राक्षस ने लिखी है, गुप्ता पीरियड किया है, ओके, चंद्रगुप्ता की स्टोरी के बारे में बताया गया इसमें, ये सब है। दीप वंशा एंड महावंशा, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। दिव्या वधाना, ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में हमारे आ जाएंगे लाइक टूल्स, स्टोन्स, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट, लाइक कहाँ वो रहते थे, बिल्डिंग्स के, ये सारे आ जाएंगे हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन फिर आ जाएगा मॉन्यूमेंट्स। इंस्क्रिप्शन में लिखा होता था क्या, टाइम पीरियड, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट क्या है, ये सभी हम किससे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से। मॉन्यूमेंट्स में आ जाएगा बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, ओके। तो अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें हमारा एंशंट हिस्ट्री से, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते थे हम, प्री हिस्टोरिक हमारा ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमें एविडेंसेस नहीं मिलती, रिटन एविडेंसेस नहीं मिलती, आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर पाए ओनली। तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री को हम भी तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं, एक हमारा आ जाता है पैलियोलिथिक, सेकेंड वन इज मीजोलिथिक एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक। पैलियोलिथिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से, 5 to 10 BC तक आ जाएगा हमारा। फिर मीजोलिथिक है 10 to 4000 BC तक आ जाएगा, नियोलिथिक फिर 6000 BC तक आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा टाइम पीरियड है, ये आपको याद नहीं करना, बस आपको जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड से लेके किस टाइम पीरियड तक हमारा प्री हिस्ट्री रही। उसके बाद हमारी आ जाएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो अगर हम फर्स्ट देखें पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज में क्या है, अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं कि मैन, अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं कि उस टाइम पे इंसान जो है कैसा रह रहा था, कैसे वो फूड खा रहा था। ओके, तो जो पैलियोलिथिक एज में जो पीपल थे वो कैसे थे, हंटर गैदरर्स थे। ओके, फर्स्ट आपका यही है, अर्लीस्ट पैलियोलिथिक मैन लिव्ड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, देन नेचर ऑफ स्टोन टूल आर ऑल्सो वेरीड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। मतलब उस टाइम पे जस्ट ह्यूमन ने सोचा ही था, बस उस टाइम पे जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स थे, वो भी बहुत ही मतलब इतने फिनिश नहीं थे, जस्ट ज़्यादा फिनिशिंग नहीं थी उनमें, मोटे मोटे टूल्स थे काम चलाने के लिए। ओके, नॉट नोइंग हाउ टू ग्रो, उस टाइम के इंसान को ये भी नहीं पता था कि हमें खाने के लिए फूड कैसे ग्रो करना है, दे डोंट नो अबाउट हाउ टू ग्रो फूड, हाउ बट वो क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, रॉ मटेरियल खाते थे, बट यस ये हम कह सकेंगे उनको पूरी नॉलेज थी कि ट्री का या फ्रूट का कौन सा पार्ट ईटेबल है और कौन सा नहीं है। ओके, दे आर फुली अवेयर कि कौन सा पार्ट खाने के लायक है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पीपल वर वेंडर एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे टुक रेफ्यूज अंडर द रॉक्स इन केव्स एंड होलो अंडर होलो ट्री ट्रंक्स। मतलब उस टाइम पे जो हंटर गैदर थे जंगल में घूमते फिरते थे, हंटिंग करते थे, खा लेते थे। ओके, रहते कहाँ थे, जंगलों में ही रहते थे, केव्स में रहते थे या फिर
जो पेड़ों के नीचे ट्रंक्स बने होते हैं उनके, वहां पे रह के अपना गुजारा करते थे, कोई उनके परमानेंट हाउस नहीं थी। तो ये हमारा आ जाएगा पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में आपका मेन क्वेश्चन बन सकता है क्वार्टजाइट मैन कहा जाता है, बिकॉज पैलियोलिथिक एज में जो मैन थे, ह्यूमन थे, उनको क्वार्टजाइट मैन कहा जाता है। क्वार्टजाइट मैन क्यों कहा जाता है, इसका हमारा मेन रीजन आ जाएगा। क्वार्टजाइट मैन इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो टूल बनाए जाते थे ना, वो क्वार्टजाइट नाम का एक मटेरियल था, उससे बनाए जाते थे। तो उसी टाइम से जो ह्यूमन था पैलियोलिथिक एज में, उसका नाम रख दिया गया एज अ क्वार्टजाइट मैन। उस टाइम के जो स्टोन थे वो लार्जर थे। और कहाँ से मिलते हैं, महाराष्ट्र से, 5 लाख ईयर ओल्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आज गया हमारा, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना है हमको। तो हमारा फर्स्ट है पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन पैलेस्टोसिन पीरियड। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पैलियोलिथिक कल्चर है जो इंडिया में, वो किस पीरियड में डेवलप हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा पैलेस्टोसिन पीरियड। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट ब्रूस फुट वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ पैलियोलिथिक स्टोन इन इंडिया। सबसे पहले जो पैलियोलिथिक एज के बारे में जिसने बताया था, तो वो हमारे थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ओके, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। सेकेंड देखते हैं, थर्ड सॉरी। पैलियोलिथिक रिसर्च इन इंडिया गॉट अ बूस्ट ओनली विद द कमिंग ऑफ येल कैम्ब्रिज एक्सपेंडिशन इन 1935 लेड बाय डेट्रन एंड पेटरसन। जो पैलियोलिथिक एज पे रिसर्च होनी स्टार्ट हुई वो पहले बहुत कम होती थी, बट जब येल कैम्ब्रिज थे जो, वो इंडिया आए, तो तब ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो गई, अपनी जेनिथ पे गई। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगी पैलियोलिथिक एज पे। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है, हार्ड रॉक थी क्वार्टजाइट, इसलिए पैलियोलिथिक मैन को क्या कहा जाता था, क्वार्टजाइट मैन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, मेजोलिथिक एज क्या थी। पैलियोलिथिक के बाद कौन सी एज आती है हमारी, मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज जो है वो ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। और इस टाइम पे क्या हुआ, जो पहले बहुत लार्ज टूल स्टोन टूल थे ना, जो बहुत लार्ज थे, बट इस टाइम पे उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई। इम्प्रूवमेंट लाइक स्टोन का साइज, स्टोन टूल्स थे जो, उनका साइज बहुत ही छोटा हो गया एज कंपेरिजन टू पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स। एंड जो उनके मतलब फिनिशिंग थी वो भी इम्प्रूव हो गई। ओके, एंड इस टाइम पे क्या हुआ, पहले लोग हंटर गैदरर थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, उनकी लिविंग स्टाइल्स में भी थोड़ा चेंज आया। लाइक वो हंटर गैदरर तो थे ही, बट उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट कर दिया। और ये हमें कहाँ पे इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि मेजोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, तो ये इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं MP, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान से। इससे आगे हमारा आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज क्या है हमारी, नियोलिथिक को हम न्यू स्टोन एज भी कह देते हैं। ओके, नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहते हैं। वर्ड फर्स्ट हमारा पॉइंट है, वर्ड नियोलिथिक वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय सर जॉन लुबोव। जो नियोलिथिक वर्ड है ना, वो सबसे पहले किसने कॉइन किया था, सर जॉन लुबोक। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, और SSC को बहुत ही मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस पूछने में जो कि कभी याद नहीं रहते। आपको पता है मेजोलिथिक एज में क्या हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मेजोलिथिक में स्टार्ट हो गया, बट नियोलिथिक में आते आते ये और फैल गया। एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो गई। अगर एग्रीकल्चर लोग स्टार्ट कर देंगे तो आपको खुद समझना चाहिए, अगर सपोज एक हम आज कोई भी क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसको टाइम लगेगा पकने में, तो अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया उसको पकने में टाइम लगेगा, तो लोगों ने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ क्या हो गया, सेटलमेंट भी स्टार्ट हो गई। सेटलमेंट स्टार्ट हो गई, एनिमल डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गई, फिर जो टूल्स थे वो और पॉलिश्ड हो गए एंड फिनिश्ड हो गए। ओके, और उस टाइम पे पॉटरी मैन्युफैक्चर मतलब मिट्टी के कुछ सामान भी बनने लग गए थे। मिट्टी के सामान का क्या यूज था, जो उस टाइम पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, जो उनका सरप्लस ग्रेन प्रोडक्शन थी वो उनको स्टोर करते थे पॉटरी के टूल्स में। ओके, तो ये हमारा आ गया, पूरा हो गया हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड में पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। बाकी आगे कुछ फाइंडिंग्स हैं जो प्री हिस्टोरिक से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आपके यहाँ हमारी भीमबेटका, भीमबेटका साइट जो है कहाँ पे है, ये हमारी है मध्य प्रदेश में।
और यहाँ से हमें एविडेंसेस किसके मिले हैं, रॉक पेंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो हंटर गैदरर थे। वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर बनी हुई है, उस पे कुछ लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, किसी ने हाथ में स्टोन पकड़ रखा है और एक एनिमल दिखाया हुआ है। मेजर हमें इससे पता चलता है कि वो हंटर गैदरर थे, ओके, बिकॉज उस टाइम पे रिटन एविडेंसेस तो हमारे पास थे नहीं, ओनली आर्कोलॉजिकल बेसिस से हमें पता चलता है। तो हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे अगर हमारी जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था मेसोलिथिक में, बट नियोलिथिक में हमारा एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे लोगों ने कॉटन उगाना भी शुरू कर दिया, और कॉटन के एविडेंस हमें कहाँ मिलते हैं, निवासा प्लेस है, तो वहाँ पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं, साइट है सॉरी, तो वहाँ भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं कॉटन के। नेक्स्ट हमारी है अतरंजी खेड़ा, ओके। अतरंजी खेड़ा में हमें क्या मिलता है, टेक्सटाइल की प्रिंटिंग मिलती है। हस्तिनापुर में हमें वाइल्ड शुगर केन मिलता है, ये आपको याद रखना है। इनाम गांव में हमें मिलता है मदर गॉडेस की स्टैचू। मेहरगढ़, ये आपका इनाम गांव, मेहरगढ़, कोल्डिहावा, आदमगढ़, चिरंदी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आएंगे, बिकॉज हम एक पीरियड को दूसरे पीरियड से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। एक पीरियड चल रहा होगा सपोज, आजकल हम कहते हैं, एक सपोज करते हैं कोलकाता, एंड वन इज कोई भी हम एरिया लेते हैं बैकवर्ड एरिया लाइक बिहार, वन इज इन कोलकाता एंड अनदर वन इज इन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ बिहार, सॉरी वन ऑफ द सिटी इन बिहार। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 2022 में जो कोलकाता में रह रहा है वो जो बिहार में रह रहा है उससे बहुत ही डिफरेंशिएट है। इनका कल्चर कुछ अलग है तो इनका कुछ अलग है। ऑल्दो ये बोथ आर इन द सेम सेंचुरी, बट उनका कुछ रहने का भी डिफरेंट होगा, ओके, और कुछ मिलता भी होगा। इसलिए हम एक पीरियड को ना तो बिल्कुल दूसरे से अलग कर सकते हैं और ना ही बिल्कुल लगा सकते, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रांजिशन होता रहता है, अपने आप ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है। तो इसलिए ये सारी जो प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स में जो के साइट्स मिले हैं, इनका हमें एविडेंसेस मिलेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी, ओके। मेहरगढ़ में हमें क्या एविडेंस मिलते हैं, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं और सेटल्ड लाइफ की। कोल्डिहावा में हमें राइस के एविडेंसेस मिलते हैं। चिरंद में हमें सेरपंट कल्ट। बुरजाहों में हमें क्या मिलता है, पिट ड्वेलिंग, खुदाई की हुई, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इसका ब्रॉडर सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या और उसमें क्या क्या, बट डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये प्रोटो हिस्ट्री में आती है, बिकॉज इसमें हमें एविडेंसेस, रिटन एविडेंसेस तो मिलते हैं, बट उन्हें हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए, इसलिए हमें पता नहीं चल सका कि उनकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट कौन सी थी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे उस टाइम पे, कैसे रह रहे थे, कैसे उनका डिस्ट्रॉय हुआ। जस्ट हमारी ये हमारी क्रिटिकल मतलब खुद हम सोच के बताते हैं कि उस टाइम पे ऐसे लोग रहे, यहाँ यहाँ रहे और डिक्लाइन कैसे हुआ। अलग अलग पर्सन के अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके अलग अलग विचार हैं कि ऐसे डिक्लाइन हुआ, ये हुआ ये हुआ, बट आज तक हम इन्हें डेसिफर नहीं कर पाए। जस्ट हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज ही हैं, तो हमें पता, सबसे पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट साइट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट दिस, एंड फर्स्ट जो साइट है एक्सकवेट की गई थी वो कौन सी थी, वो थी हड़प्पा। और ये किसके द्वारा एक्सकवेट की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, ओके। नेक्स्ट है हमारा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट आर फाउंड इन द वैली ऑफ इंडस रिवर, ओके, मींस हमें इसमें ये बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम कैसे पड़ा, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इसलिए पड़ा बिकॉज इंडस रिवर है, मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस रिवर के आसपास ही मिलती है, तो हमने इसका नाम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट जब हमें इसकी फर्स्ट साइट एक्सकवेट की, हड़प्पा साइट थी जो कि पाकिस्तान में आजकल, तो ये किसके द्वारा, जो कि दयाराम साहनी ने 1921 में एक्सकवेट की थी,
तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहने लग गए. ओके तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वन ऑफ दी अर्बन फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है. ओके यहाँ पे लोग जो है बहुत ही बेटर स्टैंडर्ड था उनका, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेटर था. वो ऐसे घरों में रहते थे जहाँ पे अटैच वॉशरूम भी थे और सीवेज सिस्टम भी बहुत बेटर था, लाइटिंग सिस्टम भी था. उनके जो हाउसेस थे वो ग्रिड पैटर्न पे बने हुए थे जो कि आजकल भी हमारे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलता एक्सेप्ट चंडीगढ़. चंडीगढ़ ही ऐसी एक यूटी है जहाँ पे जो हाउसेज हैं वो एक बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं, डेवलप मतलब डेवलप तरीके से बनाया गया. और इतने साल पहले हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे ऐसे घर मिलते थे ग्रिड पैटर्न पे बने हुए, 90 डिग्री पे काटना, हर घर का रोड गेट जो है वो रोड के सामने होगा, लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा है. ओके तो ये सारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनके पॉजिटिव्स हैं, उनके फीचर्स हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना बेटर लिविंग स्टैंडर्ड था जो आजकल भी हमारे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलता. बट इतने पुराने टाइम में भी हमारा इंडिया इतना डेवलप. तो ये हमारा कुछ फीचर्स हैं, इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल. बाय.